सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम सलमान है, आप देख रहे हैं लाइफ इज गेम चैनल। आज हम सीखेंगे घर पे प्रोटीन कैसे बनाते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए हमें हाई प्रोटीन नट्स चाहिए, जैसा कि बादाम और मूंगफली, सोयाबीन। हम लोग लेते हैं 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम मूंगफली और 50 ग्राम सोयाबीन नट्स। अब देख लेते इसका न्यूट्रिशन फैट क्या है। बादाम का न्यूट्रिशन फैट है, अगर 50 ग्राम बादाम लेंगे तो 289 कैलोरीज मिलेगी और फैट मिलेगा 25 ग्राम और प्रोटीन मिलेगा 10 ग्राम और शुगर ना के बराबर है 1.8 ग्राम। अब देखेंगे हम लोग मूंगफली का न्यूट्रिशन फैट। मूंगफली में है 284 कैलोरीज, फैट है 24 ग्राम, प्रोटीन है 13 ग्राम और शुगर भी इसमें ना के बराबर है 2 ग्राम है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सोयाबीन में। सोयाबीन का न्यूट्रिशन फैट है 236 कैलोरीज है, फैट 12 ग्राम है, प्रोटीन 18 ग्राम है और शुगर 2 ग्राम है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्सर में डाल के पीसेंगे। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मूंगफली और 50 ग्राम सोयाबीन। अब इसको हम पीस के लाते हैं मिक्स करके। अब इसको हम लोग पीस लिए, पीसने के बाद ऐसा दिखेगा सेम, ठीक है। अभी आप तीनों को हम लोग मिक्स किए, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मूंगफली, 50 ग्राम सोयाबीन को मिक्स किए हम लोग। अब तीनों को प्लस करके देखते हैं इसका न्यूट्रिशन फैट कितना आता है। कैलोरीज है 809, फैट है 61 ग्राम, प्रोटीन है 42 ग्राम और शुगर एकदम ना के बराबर 5 ग्राम। मैं अपनी अगली वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रोटीन कितना ग्राम और आपके साइज के ऊपर लेना है। अभी मैं आपको बोल दूँ कि एक चम्मच लेना है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप हो सकते हैं 50 किलो के हो, 70 किलो के हो, तो हिसाब से ये प्रोटीन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है आपके लिए। तो मेरे अगले वीडियो में आप देख के समझ जाएंगे कि जो आप वीडियो में बना चुका हूँ उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बराबर पता चलेगा कि कितना प्रोटीन लेना है। और अब इसका मेन चीज़ ये है कि लीन प्रोटीन नहीं है ये, अगर लीन बॉडी प्रोटीन बोला जाए तो ये नहीं, क्योंकि प्लांट बेसिक प्रोटीन में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि जितना इसका सिर्फ प्रोटीन रखती है, बाकी फैट और शुगर जो है ये सब निकाल देती है, ना के बराबर रखती है। वो उनके पास बड़ी बड़ी मशीन रहती है, जो भी रहता है उनका प्लांट रहता है, हम लोग वो नहीं निकाल सकते, हम लोग सिर्फ मिक्स करके खा सकते हैं। तो प्रोटीन तो मिलती है मगर लीन प्रोटीन नहीं मिलती। इसको आप जिम करने से पहले ही ले सकते हैं, क्योंकि जिम इसमें कैलोरी ज़्यादा है, इसलिए आप इसको जिम से पहले ही ले सकते हैं। कैलोरी और फैट दोनों ज़्यादा है इसमें, तो आप जिम से पहले ले सकते हैं, मतलब जिम करने से करीबन 10 मिनट 20 मिनट पहले लो। फिर जिम करते तो हम लोग बहुत सारी कैलोरीज निकाल लेते हैं, बहुत मेहनत करते, पसीना निकलता, जिससे कैलोरीज काफ़ी हम लोग की निकल जाती है, वो फिर लेवल में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आप सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए प्रोटीन के बारे में, जिम के बारे में, तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा आपको।